बर्थडे एक ऐसा दिन जब हर इंसान आपको स्पेशल फील कराना चाहता है, एक ऐसा दिन जब हर इंसान अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता, और तो और आपके यार दोस्त रिश्तेदार परिवार का हर सदस्य आपको गुड फील कराने के लिए बर्थडे पार्टीज गिफ्ट सरप्राइजेस क्या कुछ नहीं करते। पर ये सब ना साल के सिर्फ एक दिन ही होता है, उसके बाद हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। पर एक ऐसा जन्मदिन भी है जिसका इंतज़ार करोड़ों लोग 364 दिन करते हैं और उसको मनाने का अंदाज जग से निराला, आउट ऑफ द वर्ल्ड। 15 अगस्त 1967 का ऐसा दिन जिस दिन डेरा सच्चा सौदा के मौजूदा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने श्री गुरुसर मोडिया की पावन भूमि पर जन्म लिया, और इसी दिन को सभी इतनी खुशी से मनाते हैं जो कहने सुनने से परे। आप सबको भी मालिक बहुत खुशियां बख्शे। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, सतगुर अल्लाह राम के प्रति बुलंदियों को छुए। आप अच्छे नेक कर्म करके, भले कर्म करके अपने माँ बाप ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी इंसानियत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद करें, ये मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। 15 अगस्त 1991 परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने पूज्य हजूर पिताजी को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए एक बहुत ही बड़ा केक बनवाया और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करवाई। यह वही ऐतिहासिक स्थल है जहां पर सभी सेवादारों के समक्ष परम पिताजी ने हजूर पिताजी को अपने साथ बैठाकर केक काटा और उस लम्हे को यादगार बना दिया। ये अपने आप में बेमिसाल है, ऐसा आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कोई गुरु मुर्शिदे कामले शिष्य का जन्मदिन भंडारे की तरह मनाता, या वो केक काटना जो भंडारे में सच्चा सौदा में रीत है, तो ये उनका रहमो करम है और इस दिन आप ज़्यादा रहमो करम हासिल करें, यही उनसे दुआ है, प्रार्थना। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब मुर्शिदे कामिल ने अपने शिष्य का जन्मदिन केक काटकर भंडारे की तरह मनाया। 1991 का वो अगस्त महीना जब से परम पिताजी ने मनाया, क्योंकि हमने जनवरी में शास्त्रनाम जी दाता का अवतार महीना मनाया, पूरी जनवरी में लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। वो 91 की जनवरी, जिन सेवादारों को पता है, पूरी जनवरी उस दिन से शुरू हुई, यानी नया साल चढ़ा और परमपिता जी का जन्म महीना मनाया गया। वो पूरा मनाया, नाच गा के, खुशियां मना के। अब अगस्त आ गया तो अगस्त में इस खाक का जन्म महीना था, तो हमने कुछ नहीं किया चुपचाप, पर परमपिता जी सब जानी जान।
15 अगस्त को केक बना लिया, तो हमने कहा बेपरवाह जी इसकी क्या जरूरत थी। तो बेपरवाह जी हंसने लगे, कहते आपने जनवरी मनाई थी ना। हमने कहा हाँ जी। तो कहते आप तो ऐसे ही मनाया करेंगे, ये भी तो अपना ही जन्म महीना है, मतलब अपना ही, ये नहीं बोला कि मैं आपका है या किसी और का है। तो बेपरवाह जी ने वो केक काटा और साथ संगत ने खूब खुशियां मनाई। कई लोग कहते कि गुरु जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते होते, हम अपना नहीं लेकिन परम पिता जी ने मनाया, तो हम अपने सदगुरु की उस रीत को आगे बढ़ा रहे हैं और कोई हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए बेपरवाह जी के मनाए उस अवतार महीने की आपको हजारों बार अरबों बार बधाई हो, खुशियां हो। उस दिन से लेकर अब तक इस दिन को लोग परंपरा की तरह बड़ी शिद्दत से मनाते हैं, जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं उन लोगों से जो उन सुनहरे लम्हों के गवाह हैं। परमपिता जी ने केक काटते समय सभी सेवादारों को फरमाया, आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े केक काटा करेंगे। आज मैंने अपनी आँखों से इस वाक्य को सच होते हुए देखा। 15 अगस्त को पूज्य हजूर पिता जी का जन्मदिन था, सारी संगत बहुत खुशी से जन्मदिन मना रही थी। दोनों पातशाहियाँ विराजमान थे, परमपिते बहुत ज़्यादा खुश थे। परमपिते फरमाने लगे लियाओ अपा अपना केक कटिए। परमपिते ने केक काटा, सारी संगत बहुत खुशी से नाचने लगी। आज भी वो पल याद करके मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। 15 अगस्त 1991 को मुझे पहली बार पूज्य हजूर पिताजी के पावन अवतार दिवस के उन सुनहरी लम्हों में शरीक होने का मौका मिला। मैं अपने आप को पूज्य हजूर पिताजी की दया मेहर से बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि तब से लेकर अब तक इन खुशी के पलों में शामिल होता रहा हूँ। जब परमपिता शास्त्र राम सिंह जी महाराज ने पूज्य हजूर पिताजी के जन्मदिवस 15 अगस्त पर केक काटा था, वो पल आज भी ज्यों के त्यों मेरी आँखों में बसे हुए हैं। उस समय बहुत कम सेवादार थे और आज करोड़ों लोग इस दिन को खूब धूमधाम से मनाती हैं। वाकई ये लोग बहुत खुश नसीब हैं जिन्होंने वो अलौकिक नज़ारा आज भी अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। इसी दिन को पर्व की तरह मनाने के लिए दुनिया के कोने कोने से करोड़ों लोग इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। तो आइए आपको भी ले चलते हैं इस हसीन सफर में। Happy birthday, Guruji. I'm Thomas Stasek of Kew Haven, and I wish you many, many more years of success and fantastic community service. Happy birthday, Guruji. Happy birthday! Happy birthday to you! Dandan Satguru Terayasra. Very, very happy birthday. I to wish you a very, very happy birthday. A very, very happy birthday. Dandan Satguru Terayasra. We are so excited! We are excited! Hurrah! See you in the party, you'll make me.
जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियां सवार दी, ऐसे गुरु का जन्मदिन मनाकर दिल को बेहद सुकून मिलता है। मेरे गुरु की वजह से ही आज मेरे समाज चलते हैं और उनके जन्मदिन की खुशी मेरे समाजों को और रफ्तार देती है। पिताजी के बर्थडे से बड़ा तो कोई फेस्टिवल ही नहीं है मेरी लाइफ में। लव यू एमएस जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। I don't need Aladdin's genie to fulfill my wishes in my life, cause I have Guru Papa MSG. Happy birthday, MSG Papa! Happy birthday, MSG Papa! तेरा सच्चा सौदा की रिवायत के अनुसार हर ओकेजन पर मानवता भलाई के सैकड़ों कार्य एक मुहिम के तहत किए जाते हैं और लाखों लोग इनके लिए शपथ लेते हैं, जो कि हर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। सेंट डॉक्टर एमएसजी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा का परिवार आज करोड़ों में पहुंच गया। लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। हमारा मकसद जीवन का समाज भला करना, समाज को आगे लेके जाना, बुराइयां छुड़वाना, हर कोई जिंदगी में बहार जैसी जिंदगी का नजारा ले, हर कोई जीवन में सुखी रहे, गमगीन ना कोई हो इस धरती पे, यही एम है, यही लक्ष्य है, चाहे वो आदमी है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे परिंदा है, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। इसलिए गुरु जी के जन्मदिन पर मैं उनको तोहफे के रूप में एक गरीब परिवार का घर बनवा कर दे रहा हूँ जी। मैं पूज्य गुरु जी का जन्मदिन आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देकर मना रही हूँ। अपने गुरु की पावन प्रेरणाओं पे चलते हुए आज मैं 37वीं बार ब्लड डोनेट करके अपने गुरु के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे पिताजी। यही कारण है कि इस दिन के लिए लोग 364 दिन इंतजार करते हैं और पूरा पूरा महीना सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु के प्रति उनका प्यार, भावनाएं, उनकी लगन उन्हें अंदर से खींच कर ले आती है। गुरु जी के बर्थडे का पूरा साल बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है और इस पावन दिन के इंतजार में बाकी के 364 दिन कैसे बीत जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता है। हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट केयरिंग एंड लविंग डैड। गुरु जी के रूहानी प्यार की कशिश में हम खींचे चले आते हैं और यहाँ का नज़ारा हमें मस्त मस्त कर देता है। आज पूज्य गुरु जी के जन्मदिन पर मैं ये संकल्प लेता हूँ कि उनकी शिक्षाओं पर पूरी जिंदगी दृढ़ता से चलता रहूंगा। धर्म ते चलदियां जे आवे हाण, कदे ना छड़िए धर्म दी बाण। धर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर कोई तकलीफ आती भी है तो हम अपने सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर और उनके वचनों को मानते हुए कभी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो आइए एक अटूट वादा करते हैं अपने सदगुरु से कि हे मेरे सदगुरु, जिस राह पर आपने हमें चलाया है हम ताउम्र अडोल रहकर उस भलाई के मार्ग पर चलते रहेंगे। आइए आज हम सब मिलकर अपने सदगुरु से ये अरदास करें कि वो हम सब के बीच जल्दी से जल्दी आए, ताकि मानवता भलाई के कार्यों को और गति मिल सके। हे एमएसजी, आप जी से अरदास है कि हमारे एमएसजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, हमारे गुरु, हम सबके बीच वेद रूप में जल्दी से जल्दी आए और हमें अरबों गुना खुशियां बख्शेंगे। धन धन सदगुरु के आगे आसा।